द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए टोटल 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रैक्टिस सेट को। और प्रैक्टिस सेट में ये पहला और दूसरा क्वेश्चन जो आपका है ये गद्यांश से है। आत्मनिर्भरता का अर्थ है अपने ऊपर निर्भर रहना। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, पढ़ना है, क्योंकि ये गद्यांश है, गद्यांश को बिना पढ़े आंसर नहीं बना पाएंगे। तो उम्मीद है ये पेज आप लोग पढ़ चुके होंगे, ठीक। ये पूरा इतना ही गद्यांश है, यहाँ तक पढ़ना है आप लोग को। तो उम्मीद है पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए वीडियो को रोककर आराम से पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर का अर्थ क्या होता है। तो देखिए अभी ऊपर की लाइन में हमने पहले ही जो है बता दिया था कि आत्मनिर्भर का मतलब होता है अपने ऊपर निर्भर रहना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है वो कौन सा है। स्वावलंबन है, सफलता प्राप्ति का महामंत्र है, आत्मनिर्भरता है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आत्मनिर्भरता ही इसका उपयुक्त शीर्षक है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें तीसरा और चौथा प्रश्न जो आपका है ये पद्यांशनी कविता से लिया गया है। इस कविता को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये पहला पेज है कविता का, तो उम्मीद है पूरा दिख भी रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है, बरसो जितना बल हो जल हो, तो यहाँ से पढ़ना है। निचला देखते हैं, ठीक है इतना ही है। तो यहाँ पे प्रश्न आपका आ गया तीसरा, इसमें पूछा गया है कि पद्यांश में कवि किससे आग्रह कर रहा है। चलिए देखते हैं किससे आग्रह कर रहा है, बादल से, वर्षा से, जल से, नदी से। तो इसका ऑप्शन जो है पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, बादल से आग्रह कर रहा है कवि, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलेंगे, यहाँ पे गर्वोन्नत में कौन सी संधि है। ये शब्द जो गर्वोन्नत लिखा है इसमें कौन सी संधि है ये बताइए। और अच्छे गुण संधि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, ये गुण संधि का यहाँ पे उदाहरण है। नेक्स्ट पे चलेंगे और अगला प्रश्न है आपका, बाण का पर्यायवाची शब्द बताइए। उर्वी है, आगुस है, याची है, या ये सभी हैं। पांचवें का ऑप्शन बी बिल्कुल सही। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बाण के पर्यायवाची की, तो आगुस कहते हैं इसको, पर्यायवाची इसका होगा आगुस, बिल्कुल सही आगुस कह रहे हैं। आसुग है, क्या है, आसुग है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगले प्रश्न में चलते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग को बताना है आंसर। यहाँ पे शाश्वत शब्द जो लिखा है इसका विलोम शब्द क्या होगा, नश्वर होगा, मर्त्य होगा, क्षणिक, या फिर मृत्यु। तो यहाँ पे नश्वर, शाश्वत का क्या होता है, नश्वर होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला है, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा कौन थी। प्राकृत थी, पाली थी, वैदिक संस्कृत थी, या फिर ये सभी था। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन पाली ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास का अर्थ क्या है। द्वंद्व समास का अर्थ मतलब शब्द क्या है, इसमें कौन सा है द्वंद्व समास का। तो देखिए द्वंद्व समास में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, और कोई ज़रूरी ही नहीं है योजक चिन्ह ही लगा हो, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं लगा होता, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, लेकिन मैंने बता दिया कि विलोम शब्द होते ही, तो यहाँ पे आज और कल लिखा है एक दूसरे के, तो अपोजिट ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन। देखिए एक ही समान शब्द होगा तो वहाँ पे आपका अव्यय भाव समास हो जाएगा, जैसे रातों रात, दिन दिन, वीर पुरुष तो अलग है, लेकिन जैसे रातों रात, दिन दिन है, तो ये अव्यय भाव का जो है समास है, ठीक, ध्यान रखिएगा, अन्यथा गलत कर देंगे। यहाँ पे आज कल जो है एक दूसरे के अपोजिट, जैसे आज का कल हो जाएगा, तो यहाँ पे अपोजिट है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये द्वंद्व समास का उदाहरण होगा, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगले प्रश्न पे जब हैं, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जूठन किस दलित साहित्यकार की रचना है। ओपी वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि जिनका पूरा नाम है, यहाँ पे जिया लाल आ रहे हैं, शरण कुमार लिम्बाले, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा, ओपी वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये बताइए। यमुना, पहाड़, फल, गाय। दसवीं का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे यमुना बिल्कुल सही ऑप्शन, कौन सा, यमुना हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, क ग ज फ
ध्वनियों का संबंध किस भाषा से है? 11 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, यहाँ पे ये सभी शब्द क्या हैं, ये अरबी और फारसी शब्द के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल ये इन्हीं दोनों से संबंध रखता है। नेक्स्ट है, चलिए बताइए आप लोग को के लिए किस कारक का चिन्ह है, ये शब्द जो है के लिए ये किस कारक का चिन्ह है? तो आप लोग को पता ही है कर्ता ने कर्म को कर्म करण से संपदान के लिए, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, माफ कीजिए अपादान के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो कौन सा सही है, संपदान। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन, संपदान के लिए होता है। ऑप्शन सी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है, आरोह ये शब्द का विलोम शब्द बताइए। आरोह का विलोम शब्द क्या होगा? तो अवरोह हो जाएगा, जैसे आरोही का अवरोही होता है वैसे ही यहाँ रखिएगा आरोह का अवरोह हो जाएगा। क्लियर, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपका है कि जो सागर में लगने वाली आग है उसके लिए एक शब्द कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, और सागर में लगने वाली आग, जंगल में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली आग, इन तीनों चारों को आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, इनमें से दो कोई ना कोई आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगा। तो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही है यहाँ पे, सागर में लगने वाली आग बड़वा नल कहलाती है। क्या कहलाती है? बड़वा नल कहलाती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और वहीं पर बात करते हैं दावानल की, तो जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं और पेट में लगने वाली आग को यानी जठर में लगने वाली आग को जठर आग न कहलाता है। क्लियर, तो ये सभी याद कर लीजिएगा तीनों, यहाँ पे भी बिल्कुल सही इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, उस चित्र को उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है, तो यहाँ पे हुसैन का बनाया जो है इसके नीचे अंडरलाइन किया गया है और वही कहा गया है कि रेखांकित वाक्य में कौन सा उपवाक्य है, हुसैन का बनाया में इसमें उपवाक्य कौन सा है, ये किस प्रकार का, जैसे संज्ञा उपवाक्य है, सर्वनाम है, विशेषण है, तो यहाँ पे ये एक जो है विशेषण उपवाक्य का उदाहरण होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, चलिए विशेषण उपवाक्य किस में लिखा है, तो सी में बिल्कुल सही ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न का क्वेश्चन आप लोग को बताना है इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा। जैसे सारे देश में अकाल है, सारे देश भर में अकाल है, देश में नहीं भाई, सारे देश भर में क्या है, अकाल है, तो इसका शुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा, यानी शुद्ध वाक्य कैसे बनाएंगे, यह शुद्ध है, तो देश भर में नहीं कहा जाएगा क्योंकि देश की बात करते हैं तो पूरा देश उसमें आ ही जाएगा, तो उसमें भर की जरूरत नहीं रहेगी, तो यहाँ पर सारे देश में अकाल है, मैंने पहले ही इसको अच्छे से पढ़ दिया, मतलब शुद्ध रूप में ही पढ़ दिया था, अगर आप लोग ध्यान दिए होंगे तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका होगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, ऋण टूटना का अर्थ बताइए, तो आधा ही न रहना, आधार ही न रहना, आधार आधा नहीं है भाई, ये आधार ही न रहने का तात्पर्य है रीढ़ टूटना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, तरण तनुजा तटतमाल तरुवर बहुछाई में अलंकार कौन सा है, क्वेश्चन अच्छा है और आप लोग को तो पता ही है, ये अक्सर पूछा जाता है परीक्षा में, ये अनुप्रास अलंकार का है, जहाँ पर वर्णों का यानी कि अक्षरों का रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, वहाँ पे क्या होता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए, तरण तनुजा तर तमार तरवर बहुछाई, यहाँ पे ता अक्षर जो है इसका रिपीटेशन हो रहा है, सभी शब्दों में लगभग लगभग ता मिल रहा है, देखिए तरण में यहाँ भी ता, यहाँ भी ता, यहाँ भी ता, ता ता ता, ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार का ये उदाहरण होगा, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न की चलते हैं, और हाँ एक बात और ध्यान दीजिए, अगर वहीं पर आप लोग का शब्दों का रिपीटेशन या पुनरावृत्ति होती है तो वो यमक अलंकार कहलाता है। क्लियर, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ही है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चलिए बताइए कौन सा होगा। जैसे वर्व है दोहा सोरठा या उल्लाला जो शिल्पगत दृष्टि है, इसकी ये जो है किस प्रकार के मात्रिक छंद के अंतर्गत आएंगे, सम मात्रिक है, विषम मात्रिक है, अर्धसम है या फिर अर्ध विषम, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे अर्धसम मात्रिक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, संचयी भावों की संख्या कितनी बताई गई है, संचारी भावों की संख्या कितनी बताई गई है। वैसे इस प्रकार से जब शब्द मिल जाए आप लोग को तो अधिक से अधिक नहीं, कितना कम, जैसे आप लोग को एक ही ही रखना है ध्यान में, बस ऑप्शन नंबर डी यहाँ तक है, तो इस बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक, ध्यान रखिएगा। और इसके साथ अगला प्रश्न है, इंग्लिश का पोर्शन आ गया है, और इंग्लिश के पोर्शन में हम लोग गद्यांश पहले पढ़ेंगे यानी कि पैसेज पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक पैसेज है आपका, और ये पैसेज में 21 और 22 नंबर क्वेश्चन इससे बने हैं, तो उम्मीद है पैसेज को अच्छे तरह से आप लोग पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को आराम से रोकिए और
पढ़ लीजिएगा ये पैसेज है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो 21 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। हाँ एक मिनट और हम आप लोग को ये बता दें कि इंग्लिश और संस्कृत के केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन को हमारे साथ मिलान करते रहिए। ठीक, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा भी ऑप्शन यानी 22 नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है, इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा, लिजार्ड। क्या लिजार्ड। नेक्स्ट पे चलेंगे और ये 23-24 नंबर का क्वेश्चन, ये पोएम से लिया गया है, ये पोएम है आपकी, और ये द स्पेलिंग बी ये इस पोएम से लिया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन भी आपका है, क्वेश्चन भी साथ साथ दिख रहा है और ये पोएम भी है, पोएम पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर बताइए। 23 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं और 24 नंबर की बात करते हैं, तो ये जो पोएम है इसका करेक्टर इस लाइन इसमें मतलब इस लिस्ट का करेक्टर कौन सा है, तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे 25 से लेकर 30 नंबर क्वेश्चन तक आपको क्वेश्चनों के आंसर को देना है। पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक्टिव से पैसिव बनाना है और ये आपका सेंटेंस है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो पैसिव बना देंगे इसको एक्टिव वॉइस में ये है, इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो है सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 26 नंबर, 26 नंबर के ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे पहले वाले में जो भरा जाएगा वो भर दिया जाएगा, डी भर दिया जाएगा, और अगले वाले में जो होगा कोई भी आर्टिकल नहीं भरा जाएगा, मतलब कोई भी चीज़ यहाँ नहीं भरी दी जाएगी, सीधा सीधा ऐसे ही रहेगा इन न्यूयॉर्क। क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट पे चलते हैं 27 नंबर की बात करें, तो 27 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, यहाँ पर भी इफ भर दिया जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे और 28 नंबर की बात करते हैं, तो यहाँ पे ये इस शब्द जो लिखा गया है मीनिंगफुल, ये शब्द लिखा गया है, इसका सिनोनिम क्या होगा 28 नंबर का, तो इसका सिग्निफिकेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिग्निफिकेंट भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और नेक्स्ट 29 नंबर की बात करते हैं, तो इसमें ये शब्द जो लिखा गया है इसका इडियम और फ्रेज क्या होगा, मतलब मुहावरे के अर्थ, ये हिंदी में मुहावरे का अर्थ जो होता है उसको बताना है। 29 नंबर का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी, और उसी के साथ नेक्स्ट 30 नंबर की प्रश्न पे बात करते हैं, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा, डी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे अगला प्रश्न जो है संस्कृत के पोर्शन से लिया गया है और 31 से लेकर 40 नंबर तक प्रश्न आपका संस्कृत का ही है, इसमें भी केवल ऑप्शन हम बताएंगे, आप लोग मिलान करते रहिएगा हमारे साथ। चलिए क्वेश्चन आपका पहला यानी 31 नंबर का जो है इसका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, संधि विच्छेद करना है या यहाँ पे वाणी प्लस एका में जो समलड करोती जो शब्द है इसमें कौन सी युक्त संधि युक्त हुई है, तो ये बताना था, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। और इसी के साथ 32 नंबर की बात करें, तो 32 नंबर में भी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, देवा नाम अधिपति है। नेक्स्ट 33 नंबर की बात करते हैं, 33 नंबर में भी पहला ही ऑप्शन आपका सही होगा, भ्रमरिया। नेक्स्ट पे चलेंगे 34 नंबर की बात करते हैं, तो इसमें भी पहला ही आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 35 की बात करें, तो 35 में भी पहला आपका सही हो जाएगा जो कि यहाँ पे खाली स्थान में फेल किया जाएगा। 36 पे चलते हैं, 36 नंबर का क्वेश्चन जो ऑप्शन सही होगा वो बी दृश्यते बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे बालकेन पत्रम दृश्यते या दृश्यते, ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सही रूप जो इसका बनेगा दृश्यते बन जाएगा। इसी के साथ अगला 37 नंबर, अच्छा 37 छोड़ रहा है, 37 भी देख लेते हैं साथ साथ, तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे येषा बालका भोजनम खादत, इसमें रेखांकित पद लिखा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पे इसको येषा जो लिखा है ये कौन सा सही स्थान पे इसको लिखना चाहिए था, तो यहाँ पे शा हो जाएगा इसके स्थान पर। ठीक है, चलिए क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है कि रेखांकित पद के स्थान पर शुद्ध रूप कौन सा होगा, तो यही वाला शा है और कहीं है ही नहीं, तो ये शा जो है आपका इसी को इस रूप में लिखा जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न 38, 39 नंबर का प्रश्न जो है ये आपके आप पठित गद्यांश का है, संस्कृत का गद्यांश, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है आपको और क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर ही है, इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, 38 नंबर का कौन सा पहला क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 39 नंबर की बात करें, तो इसका ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। 40 क्वेश्चन नंबर जो है ये आपठित गद्यांश है, श्लोक से लिया गया, ये श्लोक है, श्लोक को पढ़ेंगे, उसके बाद 40 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उसका आंसर बताएंगे।
यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, सत्यम प्रियम बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर, तो सी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न ही जो स्टार्ट होता है ये विज्ञान के पोर्शन से आ गया है और विज्ञान के भी प्रश्नों को 10 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। यहाँ पे चेचक रोग का जनक कौन है ये बताना है, तो चलिए बताइए चेचक रोग का जनक कौन है। विषाणुओं से होता है चेचक, जीवाणु से होता है, या फिर कवक या प्रोटोजोआ, किससे होता है भाई? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला है ये विषाणु से होने वाला जो है रोग है, इसका जनक जो है चेचक का वो विषाणु होता है। यहाँ पे ये बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न है अच्छे स्वास्थ्य के लिए कितने घंटे की निद्रा आवश्यक होती है, 10 घंटे, 6 घंटे, 12 घंटे या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 6 घंटे कम से कम की बात किया गया, अधिक से अधिक आप लोग 8 घंटे तो सोते ही होंगे, लेकिन यहाँ पे कम से कम 6 घंटे की निद्रा जो है सबसे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलेंगे, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जर्मनी से, फ्रांस से, भारत से, चाइना से? तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये पर्यावरण शब्द जो है ये फ्रांस से लिया गया है, यानी यहीं उत्पत्ति इसकी हुई है, भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न, हड्डियों का जो चित्र खींचने के उपयोग में आता है वो कौन सा है, जैसे हड्डियों का जब एक्सरे होता है उसको अल्ट्रासाउंड शायद कहते हैं, हाँ अल्ट्रासाउंड ही कहते हैं। तो जब हड्डियों का जो हम लोग जैसे हड्डी टूट जाती है तो जो कराने जाते हैं वही चित्र होता है, चित्र आपको दिखता होगा, तो उसको खींचने के लिए किस तरंग का उपयोग करते हैं, अल्ट्रा वायलेट तरंग, एक्स किरण, यक्स तरंग, या फिर ए और बी दोनों का? तो यहाँ पे केवल यक्स तरंग का उपयोग करते हैं, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर, चलिए, क्योंकि एक्सरे ही उसको कहते हैं, अल्ट्रासाउंड तो पेट का या पेट से कोई संबंधित विकार होता है तो उसे कर जाता है। इसमें पूछा गया है कि एक कार, ध्यान दीजिएगा इसको, कह रहा है कि एक कार ए से बी तक जाती है, यानी ए यहाँ पे कार है और यहाँ से ऐसे चल के बी तक जाती है, गति करती है, तो कार की गति का अध्ययन जो भिन्न भिन्न बिंदुओं ओ और ओ डैश से किया गया है, तो यहाँ ए ये ओ है और ये ओ डैश है, ठीक है, ये सापेक्ष करते हैं, तो किस दिशा, किस निर्देश बिंदु के सापेक्ष कार का विस्थापन अधिक होगा, ओ के होगा या फिर ओ डैश के हो जाएगा, ये पूछा गया है इसमें, या ए बी के हो जाएगा? ऑप्शन यही है, ए है, बी है, ओ है, इनमें से कोई नहीं। वैसे बात करते हैं तो देखिए ये जो रेखा इस प्रकार से जब बनती है तो इसमें दोनों निर्देश क्या होते हैं, बिंदुओं के सापेक्ष कार के विस्थापन समान है, यहाँ पे जितनी दूरी यहाँ इधर चली है ए पर उतनी दूरी इधर, जितनी दूरी ओ पर चली है उतनी दूरी ओ डैश पर ही चली है, तो यहाँ पे समान हो गया है, तो ना तो ओ से मतलब है, ना बी, ना ओ से किसी भी से मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। कौन सा? डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं सही है, ठीक, अगर समान दिया होता तो समान सही हो जाता, इसलिए डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, रॉकेट नोदन न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? क्वेश्चन अच्छा है, राकेश नोदन न्यूटन के गति के तृतीय नियम का प्रति जो है पालन करता है, आप लोग को पता है ये क्रिया प्रतिक्रिया जिसको कहा जाता है, जैसे रॉकेट कब उठता है, जब वो नीचे की ओर प्रेशर दबाता है और मतलब क्या कहते हैं, धुआं फेंकता है और ऊपर उठता हुआ जाता है, ठीक, तो इस प्रकार से ये काम करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही क्रिया प्रतिक्रिया बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसको न्यूटन का तीसरा नियम भी कहते हैं। और इसके साथ साथ अगला प्रश्न है कि किसी लक्ष्य पर राइफल की गोली टकराने के बाद रुक जाती है, तो गोली की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है? क्वेश्चन अच्छा है, चलिए कमेंट करके आप लोग बताइए। तो यहाँ पे गोली की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण जो होगा वो ऊष्मीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा व प्रकाश ऊर्जा में होता है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऊष्मीय ऊर्जा ध्वनि व प्रकाश ऊर्जा में होती है इसका रूपांतरण। क्लियर, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट में कहा गया कि हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है, तो किसका प्राकृतिक सूचक है ये बताना है। आगे पढ़ लेते हैं, इसका रंग पीला उपस्थिति किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बहुत अच्छा, यहाँ पे दो क्वेश्चन के आंसर आपको बताना है, ये किसका सूचक है और इसका पीला रंग जो होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यहाँ पे ये मरक्यूमिन के कारण जो है इसका पीला रंग होता है। और बात करते हैं इसके सूचक की, तो ये जो है ये क्या है, तने का सूचक है, ठीक, किसका, तने का,
ठीक, यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मर्क्यूमिन सही। एक मिनट, मर्क्यूमिन नहीं सही होगा भाई, क्या सही होगा बताइए, करक्यूमिन हो जाएगा, क्या करक्यूमिन हो जाएगा, बे बिल्कुल सही होगा, क्लियर। अच्छे, अगला प्रश्न आपका है कि गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है। तो ये इसका कार्य है वाष्पीकृत करना, और ये इसी प्रक्रिया पर आधारित है, इसलिए ये कूलर अधिक ठंडा रहता है गर्म शुष्क दिनों में। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी, वाष्पीकरण के कारण ऐसा होता है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि धातुएं जो हैं किस प्रकार के नाइट्रिक अम्ल के से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस यानी H2 मुक्त करती हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये तनु यानी NH3 यही नाइट्रिक अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे जो है मैथ का है, मैथ के पोर्शन को हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि ये हमारे सर के द्वारा अभी आपको अगले क्लास में पढ़ा दिया जाएगा, अन्यथा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च कर लीजिए टेलीग्राम पर जा करके, वहाँ से आप लोग उसको ज्वाइन करने के बाद इस PDF को पूरा 150 प्रश्नों का PDF आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, क्लियर। चल, क्वेश्चन अगला है आपका, ये ग्रामीण प्रवेश कर रहे हैं, पर्यावरण सामान्य अध्ययन के साथ साथ करेंट अफेयर की भी प्रश्न में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इस प्रश्न में कहा गया है कि श्रीलंका में घास के मैदान किस नाम से जाने जाते हैं, डाउन्स, कैटबरी, पटाना या फिर पोल्डर। तो यहाँ पे श्रीलंका की बात किया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या पटाना के नाम से जाना जाता है, वही डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है, पटाना श्रीलंका का है। नेक्स्ट प्रश्न में चल देंगे, यहाँ पे चंबल, बेतवा, केन आदि नदियाँ किसकी सहायक नदी है, क्वेश्चन अच्छा है, ये बिल्कुल सही, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका, अलीगढ़ आंदोलन को किसने प्रारंभ किया, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन प्रारंभ किया गया था, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब और कहाँ किसने की थी, चलिए देख लेते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन, सत्य शोधक समाज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किया गया है, और ये महाराष्ट्र में 1873 में इसकी स्थापना की गई, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे तीन प्रश्न था, स्थापना कब की गई, किसने किया था और नाम क्या है। ठीक, तो यहाँ पे सत्य शोधक समाज है नाम का, जिसका जो है स्थापना ज्योतिबा राव फुले के द्वारा किया गया है, और ये महाराष्ट्र में 1873 में किया गया, क्लियर। तो बी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये जापान से लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बात करते हैं, हाँ ये शब्द जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसको जापान से लिया गया, कहाँ से, जापान से, तो ये ऑप्शन नंबर इसका जो सही है वो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखिए, संयुक्त अधिवेशन को तो आहूत यानी बुलाता तो है राष्ट्रपति, लेकिन इसकी अध्यक्षता की बात कही गई है यहाँ पे, तो यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है, लोकसभा के स्पीकर, वही करते हैं इसकी अध्यक्षता, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत में सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है, बहुत अच्छा, यहाँ पे महाराष्ट्र में भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चल, बी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, यहाँ पे ब्लू चिप शेयर किसे कहते हैं, बी बिल्कुल, यहाँ पे ख्याति वाली कंपनियाँ जो हैं उसी को ब्लू चिप शेयर कहते हैं, बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे, मनुष्य के लिए चार पुरुषार्थ कौन है, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे एक अर्थ है, धर्म है, काम है, मोक्ष है, तो यहाँ पे यही सही जो है मनुष्यों के चार पुरुषार्थ हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक और सांस्कृतिक विरासतों को सहेजने का कार्य करने वाले वैश्विक संस्थान कौन से होंगे, यूनेस्को है, संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, देखिए यूनेस्को दो बार लिख दिया गया है यहाँ पे, यूनिसेफ, एक मान लीजिए यूनिसेफ है, ठीक है। चलिए अगला है, विश्व विरासत आदिशमय, तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्व विरासत अभिशमय जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
यही आपके जो हमारे प्रकृति और सांस्कृतिक विरासत होते हैं उसको सहेजने का कार्य इसका ही होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है, चिल्ड्रेन एप्सेप्शन एपरसेप्शन टेस्ट का निर्माण किसने किया था। यहाँ पे ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा, लियोपोल्ड बेलाक। लियोपोल्ड बेलाक ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो गया। इन्हीं के द्वारा ही एपरसेप्शन टेस्ट का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षण अधिगम के प्रमुख अंग कौन से हैं? सीखना एवं सिखाने वाला, सीखने एवं सिखाने वाला है अगला है, सीखने एवं पढ़ाने वाला अगला, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 82 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, चलिए कमेंट करके बताइए आप लोग। तो यहाँ पे अधिगम का मुख्य अंग जो होता है, एक सीखने वाला होता है एक सिखाने वाला होता है, तो यही ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही होता हो जाएगा। लेकिन अधिगम की बात करते हैं तो अधिगम का जो प्रारूप है वो तीन प्रारूप में होता है, एक सीखने वाला जैसे स्टूडेंट हो गया जिसको विद्यार्थी कहा जाता है, और दूसरा सिखाने वाला जो शिक्षक होता है वो होता है, और तीसरा क्या होता है पाठ्यक्रम होता है। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बालक की आध्यात्मिक प्रवृत्तियों का विकास करना है, तो यह विचार के प्रतिपादक कौन है? तो इस विचार के प्रतिपादक आदर्शवादी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे आदर्शवादी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है, पिछड़ापन मापने की इकाई क्या है? पिछड़ापन मापने की इकाई क्या है? तो यहाँ पर भी शैक्षिक उपलब्ध बिल्कुल सही हो जाएगा, शैक्षिक लब्धि। अगला प्रश्न है, यशपाल समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो यहाँ पर भी 15 जुलाई 1993, ऑप्शन बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को किसका प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है? 86 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। कौन सा? ए सही हो जाएगा, 3R-S का होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की कितनी बोलियाँ प्रचलित हैं? हिंदी भाषा की कितनी बोलियाँ प्रचलित हैं ये बताना है। वैसे संविधान की बात करते हैं तो संविधान में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन ये ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पे बोलियों की बात किया गया है, भाषा की नहीं। तो कितनी बोलियाँ हैं यहाँ पे? 18 बोलियाँ हैं। ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन। आप लोग क्वेश्चन को अगर सही से नहीं पढ़ेंगे तो ऑप्शन को गलत बिल्कुल करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग खट से 22 मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ना है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियाँ प्रचलित हैं, बोलियों की बात किया गया है, तो 18 हैं। इसलिए क्वेश्चन को आसान आराम से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तब क्वेश्चन को समझ में आएगा, सही ऑप्शन कर पाएंगे। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका कि 90 से 120 बुद्धि लब्धि वाले बालक किस वर्ग में शामिल किए जाते हैं? वैसे इसमें जो सृजनशील बालक होते हैं, जो सामान्य बालक कहलाते हैं, वही बालक आते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति कितने प्रकार की होती है? तो मूल प्रवृत्तियाँ जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, कितने प्रकार की होती हैं? तो यहाँ पे मूल प्रवृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं। पहला है जीवन संबंधित मूल प्रवृत्ति और दूसरा मृत्यु से संबंधित मूल प्रवृत्ति, ये दोनों हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए बिल्कुल सही। और इसके साथ अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे सैडलर आयोग की नियुक्ति कब की गई? चलिए बताइए, सैडलर आयोग की बात आ गई है तो यहाँ पे इनकी नियुक्ति जो है 1917 में होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और ये शैक्षणिक सुधार के लिए किया गया था, शिक्षा में सुधार के लिए इसकी नियुक्ति की गई थी, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक कौन है? प्रोजेक्ट प्रणाली के जनक ये देखिए फ्रोबेल कह रहे हैं, क्लोपैट्रिक्स बिल्कुल सही हो जाएंगे यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे, व्यक्तिक भिन्नता। व्यक्तिक भिन्नता का तात्पर्य है कि सभी कोई भी व्यक्ति एक समान नहीं होता है, यही व्यक्तिक भिन्नता होती है। इसको समझने का प्रयत्न सबसे पहले किसने किया था? तो पहले सबसे पहले व्यक्ति भिन्नता को जो उन्होंने बताया या समझा उनका नाम है गाल्टन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसके साथ अगला प्रश्न है आपका, इसमें पूछा गया है कि व्यक्ति वंशक्रम तथा वातावरण का योग नहीं है, गुणनफल है। योग नहीं है क्या है? गुणनफल है। तो यह कथन किसका है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। कथन की बात करते हैं तो वुडवर्थ तथा मारेम्बिस का ये कथन है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही हो जाएगा, मोरम्बिस और वुडवर्थ के द्वारा ये कथा गया है। ये सही होने के साथ अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व परीक्षण का मापन किस विधि के द्वारा किया जाता है?
व्यक्तित्व परीक्षण यहाँ पे पूछा गया है। चलिए कमेंट करिए और आंसर बताइए। तो यहाँ पे TAT जो आप लोग को पता होगा, इसी के द्वारा व्यक्ति परीक्षण किया जाता है। ऑप्शन पहला ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि बालकों की जो त्रुटि नियंत्रण है उसके प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। तो उसके दो प्रमुख सिद्धांत हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन, और दोनों के नाम क्या हैं, स्वाभाविक प्रेरणा का सिद्धांत एक है आत्म केंद्रीकरण का सिद्धांत, दोनों हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, कौन सा विकल्प सीखने के संदर्भ में पुरस्कार से संबंधित है। 96 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। बात करते हैं यहाँ पर सीखने के संदर्भ की बात करते हैं, तो पुरस्कार का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि छात्रों में संतोष उत्पन्न करे और सीखने के लिए उसे क्या करे, प्रेरित करे तथा मनोबल को उसके बढ़ा दे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपका है कि अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है। बहुत अच्छा, यहाँ पे अभ्यास और अनुभव की बात करते हैं, इसके द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पे अधिगम कहलाता है, क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा यहाँ पे, चलिए अधिगम ही होगा कि और कुछ होगा, शैक्षणिक या सभी होगा, तो यहाँ पे अधिगम कहलाता है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलेंगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताइए, ये द्वितल सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था। द्वितल तो इसका भी ऑप्शन नंबर स्पीयरमैन के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, बालक समस्या समाधान का एक सामूहिक रूप क्या होगा। तो ये परियोजना विधि से जब बालक की समस्या अपना समाधान कर सकता है, तो ये सी बिल्कुल सही होगा इसका। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, 100 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देखिए, इसमें कहा गया है कि सृजनात्मक बालक नए संबंधों के ज्ञान को उसकी उत्पत्ति में चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखता है, यह कथन किसका है। लेविन का, पावलाव का, आइजेंग का, या फिर जिन प्याजे साहब का है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा वो आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आइजेंग सर का जो है कथन है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही ऑप्शन। कथन क्या है, सृजनात्मक बालक नए संबंधों के ज्ञान को उसकी उत्पत्ति में ही चिंतन के परंपरागत तरीकों से हटकर असाधारण विचार उत्पन्न करने की योग्यता रखते हैं। क्लियर, यही इनका कथन है, सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, करंट अफेयर का है ये, साथ अगस्त 2016 में चर्चित एक प्रीवेनार 13 था, यानी प्रीवेनार 13 था, ये क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये एक निमोनिया है, क्या है, निमोनिया, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अच्छा, बात करते हैं निमोनिया, निमोनिया क्या है, तो निमोनिया एक प्रकार से ये जो है बीमारी है, लेकिन ये निमोनिया तो है ही, लेकिन ये प्रीवेनार 13 जो है ये निमोनिया की दवा है, दवा का नाम है, ये ध्यान रखिएगा, अन्यथा आप लोग निमोनिया बीमारी समझ लें, ये वो जो बीमारी होती है निमोनिया उसी का ये क्या है, दवा है। और ये अमेरिका की एक कंपनी के द्वारा जिसका नाम है फाइजर, उसी के द्वारा ये बनाया गया था। क्लियर, 2016 में ये चर्चित रहा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपका है, किस मंत्रालय द्वारा ई सहज पोर्टल का शुभारंभ किया गया। क्वेश्चन अच्छा है, बात करते हैं 18 सितंबर 2018 को ऑनलाइन इसका जो है शुभारंभ किया गया, और यह प्लेटफॉर्म प्राइवेट कंपनियों को सुरक्षा मंजूर देने में कार्य करता है। तो यहां पे यह किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये गृह मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किसे परमाणु ऊर्जा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, 103 का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा 103 का, वो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, कमलेश नीलकंठ व्यास को परमाणु ऊर्जा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सितंबर 2018 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने एकीकृत परीक्षण रेंज बालासोर से स्वनिर्मित सामरिक मिसाइल जिसका नाम प्रहार है का सफल परीक्षण किया है, यह मार करती है, तो किस प्रकार से यह मार करती है यह बताना है। तो प्रहार जो मिसाइल है ये
बैलिस्टिक एक बैलिस्टिक मिसाइल है और ये सतह से सतह मार करती है, ठीक, सतह से सतह, यानी ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है, स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया। क्वेश्चन अच्छा, राजधानी ये बात करते हैं, अगरतला, ये क्या नाम है, त्रिपुरा की राजधानी जो अगरतला है यहाँ पर स्थापित किया गया, सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका जो बन रहा है वो उसमें पूछा गया है कि किस राज्य में जीवन काल जीवन जल पेयजल परियोजना की शुरुआत की गई। तो ये इसका शुभारंभ जो हुआ है वो 18 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत होती है, किसकी, जीवन जल पेयजल योजना की। और ये जो शुरुआत होती है इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के राज्यपाल जो पहले रहे, वर्तमान में आपके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, किस देश ने सर्वप्रथम एक साथ हाइपरसैनिक मिसाइल के 3 मॉडलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। रूस, चीन, जापान, अमेरिका। तो यहाँ पे हाइपरसोनिक विमान के 3 मॉडलों को जिन्होंने परीक्षण किया वो परीक्षण आपका 5-6 अगस्त 2018 को किया गया और ये चाइना के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना से क्या प्रावधान है, इसमें क्या प्रावधान है ये बताना है। तो इसमें शिक्षित जो युवा हैं प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो शिक्षित युवा हैं उन युवाओं को प्रोत्साहन देना ही इसका प्रावधान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, चलिए बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद जिला किस लिए प्रसिद्ध है। तो मुरादाबाद आपका जो धातु से संबंधित सामान बनते हैं, जैसे उसको पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न है, 2018 23 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के किन शहरों में टीयर ई हवाई सेवा शुरू की गई है। तो लखनऊ से आगरा की बात करते हैं, तो इलाहाबाद, वाराणसी, लखनऊ से ये शुरू की गई है, जिसमें आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी और गोरखपुर में ये सभी सेवाएं चल रही हैं। और ये वायु को जितने मैंने नाम लिया शहरों के, इन शहरों में वायुसेना से जोड़ा गया है इसको, क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा इसका, तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें लखनऊ से आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न आपका है, गोविंद सागर क्या है, बांध है, कृत्रिम झील है, सिंचाई परियोजना है, पेयजल है। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सही होगा, ये कृत्रिम झील है, गोविंद सागर क्या है, कृत्रिम झील है। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए। भारतीय की बात किया गया है यहाँ पे, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर को जो है ये 1913 में ही प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था, ठीक। चलिए इसी के साथ अगला, साहित्य के लिए समझौता दिया गया था। अगला प्रश्न आपका है, BCCI का पूरा नाम बताइए। यहाँ पे बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल फॉर इन इंडिया, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला, एक मिनट, इसमें जो है BCCI का पूरा नाम भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होगा, ना कि कंट्रोल, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सौरभ गांगुली वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाल रहे हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा, भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, सर्वाधिक सीमाओं वाले देश का क्या नाम है। तो ए बिल्कुल सही ऑप्शन चाइना है, चीन जो है ऐसा देश है जिसकी सीमा सबसे अधिक देशों के साथ लगती है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियन में लगातार 2 पदक जीतने वाली पहले भारतीय रेसलर कौन रहे। तो डी बिल्कुल, तो यहाँ पे साजन मानवाल ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2018 में किन 2 देशों के मध्य अभ्यास इंद्र 2018 का आयोजन किया गया। तो यहाँ पर भी भारत और रूस के बीच में ये अभ्यास चला, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटी एक्सपो जिसको 2018 का नाम दिया गया, उसका उद्घाटन किस शहर में किया गया है।
तो यहाँ पे पहला ही जयपुर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अगेंस्ट द ग्रेन, अगेंस्ट द ग्रेन नामक पुस्तक की रचना किसने की है? तो सी बिल्कुल बोरिस यल्तसिन के द्वारा किया गया है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है उनका नाम है जस्टिस रंजन गोगोई, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। वर्तमान में आप लोग को कमेंट करना है, अच्छा ये पुराना पेपर है इसलिए आपको लोग को यहाँ पे ये ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में आप लोग को बताना है कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है, वर्तमान में पूछा गया है, ठीक। तो कमेंट करके आप लोग बताइएगा। चलिए बता देते हैं, वीर रमन्ना इस समय है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वीर रमन्ना करंट में है। इसी के साथ अगला प्रश्न आपका है, पुस्तक स्टोरी सो फार के लेखक कौन है? तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, बेन रूनी। वैसे बात कर रहे हैं, ये प्रैक्टिस सेट का करेंट अफेयर आप लोग जो देख रहे हैं ये आपका पुराना है, इसलिए उसको थोड़ा इग्नोर करेंगे तो थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए, अब जो भी प्रश्न मिलेगा करेंट अफेयर का उसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, मतलब स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे ये पुस्तक जो है स्टोरी सो फार, तो वेन रूनी का है ये। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपका है, किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय के सभी सरकारी स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए मंजूरी प्राप्त की गई है? तो सी बिल्कुल ये है आपका दिल्ली हो गया है। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये ग्रामीण में LED स्ट्रीट लाइटिंग परियोजना किस क्रियान्वित करने की घोषणा जो है भारत सरकार के द्वारा किस राज्य में की गई है? तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ऐसा किया गया है। सी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे। अगले प्रश्न में है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये इलाहाबाद में है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, पद्म पुरस्कारों की स्थापना कब की गई? 1954 में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है वो चिकित्सा एवं संबंधित समाज सेवा के लिए दिया जाता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न, मोदनी पुरस्कार जो मेदिनी पुरस्कार है यह किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, खेल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, पर्यावरण बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, सिलाम्बम क्या है ये बताना है। तो यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह तमिलनाडु की परंपरागत लाठी एक युद्ध कला होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस सामरिक कला के अभ्यास में तांत्रिक कर्मकांडों का प्रभाव देखा जा सकता है? तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, कौन सा? पहला, थंगता में ऐसा होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और वहीं पे बात करते हैं थांगटा की, तो ये मणिपुर का युद्ध कौशल कला है, ठीक है। ये कहाँ से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है थांगटा। इसमें इसका अर्थ होता है थांगटा का कि तलवार और टा, मतलब थांग का मतलब होता है तलवार और टा का मतलब होता है भाला, यानी तलवार और भाला के माध्यम से यहाँ पे ये युद्ध कौशल होता है मणिपुर में, यही इसका नाम है। तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, थांगटा। इसी के साथ अगला प्रश्न है, लाठी खेल का संबंध भारत के किस क्षेत्र विशेष से है ये बताइए? यहाँ पर सी, मध्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से ये संबंध रखता है, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बच्चों के अधिकार की घोषणा कब की गई? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये 20 नवंबर 1989 को भी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और बात करते हैं इसमें, तो इसके इसमें जो है बच्चों के अधिकारों की घोषणा की गई है, ठीक। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही होने के साथ अगला प्रश्न भी बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपका रीजनिंग का है, रीजनिंग का प्रश्न, पांच प्रश्न यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग इसको लगाइएगा, ठीक है। ये कथन है, ये आप पूर्व उदाहरणाएँ हैं, इसमें आंसर भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 32 की तरफ चलते हैं, और 32 नंबर का प्रश्न में पहला ऑप्शन आपका
सही हो जाएगा, कौन सा पहला सही होगा। नेक्स्ट 33 की तरफ बात करते हैं, तो बाइनरी संख्या में कौन सी संख्याएं प्रयोग की जाती हैं ये बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक मिनट, 0 और 1 होती हैं। नेक्स्ट है इसमें आपको खेल से खिलाड़ी संबंधित होते हैं, तो संगीत गोष्ठी से कौन संबंधित होंगे, तो ये संगीतज्ञ होंगे, कौन से संगीतज्ञ, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि यदि किसी कूट भाषा में इसको ये लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा, तो 135 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा ये। अगला प्रश्न है आपका 36 का, आप यहाँ से 5 प्रश्न कंप्यूटर के मिलेंगे। इसमें कहा गया है कि शिक्षण कौशल का विकास के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा, ये सही। शिक्षण कौशल की बात में विचार विमर्श भी आता है, साक्षात्कार भी आते हैं, वहीं शिक्षण कार्य का अवलोकन भी आता है, तो ये सभी बिल्कुल डी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है आईसीटी, आईसीटी का पूरा नाम बताइए, तो सूचना एवं प्रसारण तकनीकी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, तो ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्रिंटर किस प्रकार की डिवाइस है, प्रिंटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है, जैसे आप लोग कुछ डाटा इनपुट करने के लिए डालते हैं तो जैसे प्रिंट आउट लेते हैं तो आपको देता है कि नहीं है बाहर निकाल कर पेज को, तो ये आउटपुट डाटा है भी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला है गूगल या याहू क्या है, गूगल या याहू क्या है, तो गूगल या याहू जो है ये एक सर्च इंजन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, एक ईमेल कितने अलग अलग भागों में, कितने अलग अलग भागों से मिलकर बना होता है, यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, 2 कौन कौन से हैं तो बताइए, तो यहाँ पे 2 जो अलग अलग मिलकर बनते हैं, पहले में यूजर नेम होता है तथा दूसरे में डोमेन नेम होता है, क्या होता है, एक में यूजर नेम होता है तो दूसरे में क्या होता है, डोमेन नेम होता है। डोमेन नेम क्या है, तो जो gmail.com लिखते हैं पीछे, देखिए सभी जितने भी ईमेल आईडी बनते हैं या जीमेल आईडी जो भी बनते हैं ईमेल आईडी, उसमें पीछे लिखा होता है gmail.com, तो ये क्या है, तो ये डोमेन नेम है। और वहीं पे यूजर नेम क्या है, तो पहले आपका जैसे मान लीजिए आपका नाम है अरिहंत, तो अरिहंत एट द रेट जो लिखेंगे, यानी अरिहंत जो लिख रहे हैं ये यूजर हैं, क्लियर, तो दोनों आप समझ में आ गया होगा, ये बिल्कुल सही, माफ कीजिए सी बिल्कुल सही ऑप्शन 2 हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है यहाँ पे शिक्षण कौशल युवा वित्तीय के 10 प्रश्न हम लोग कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न में पूछा गया है कि जिसमें 141 का क्वेश्चन नंबर है, इसमें बालकों के व्यवहारिक ज्ञान का समावेश का तात्पर्य क्या है, तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन, बालकों के कुशलताओं के बारे में विशेष ज्ञान एवं आत्मविश्वास बढ़ाना ही व्यवहारिक ज्ञान का समावेशन का तात्पर्य होगा, ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों में क्या सम्मिलित किया जा सकता है या किया जाता है, यहाँ पर डी बिल्कुल, इसमें प्रशिक्षण होगा, भाषण होगा, प्रदर्शन होगा और अनुदेशन हो जाएगा, तो डी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा क्या है, तो अभिप्रेरणा ए बिल्कुल सही है, आंतरिक शक्ति है जो किसी विशिष्ट कार्य करने हेतु बाध्य करती है, ठीक, तो यही अभिप्रेरणा होती है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। यदि आपके अंदर कोई भी अभिप्रेरणा आ गई तो आप उत्सुक होंगे, ठीक, तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका क्या होती है, तो यहाँ पे अधिगमकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका जो है वो अधिगम का अभिप्रेरण के रूप में कार्य करने हेतु वातावरण का निर्माण करना ही होता है, डी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपका है कि धर्म विहीन शिक्षा अंततः निरर्थक सिद्ध होती है, तो यह कथन किसका है, तो यह कथन आपका है महात्मा गांधी का, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, दंड का प्रायोजन अपराधी को सुधारना है, सही बात है, तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन, सुधारात्मक सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है आपका, व्यावसायिक निर्देशन क्यों जरूरी है, व्यावसायिक निर्देशन क्यों जरूरी है, तो बताइए आप लोग, बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे व्यक्तिक सामाजिक और आर्थिक प्रगति के लिए ये जरूरी है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है, प्रशंसा किस प्रकार की पुरस्कार श्रेणी में आती है, प्रशंसा किस प्रकार की पुरस्कार श्रेणी में आती है, चलिए देखते हैं, 148 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ये अमूर्त पुरस्कार के अंतर्गत आने वाली जो है पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न, वैसे बात करते हैं अमूर्त, तो अमूर्त ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, और प्रशंसा भी वैसा है, प्रशंसा को आप लोग देख पाते हैं नहीं देख पाते हैं, तो ये सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक की
जो बच्चों की संवेगात्मक स्थिति जो होती है वो किससे प्रभावित करती है। क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ पे अभिप्रेरणा क्षमता बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न 150वां प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया। चलिए देखते हैं, तो 2002-1 में ये सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें का नारा दिया गया, और ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये चाल लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक जो भी हमारे साथी नए जुड़कर प्रैक्टिस सेट हमारे साथ कर रहे हैं, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो भी फटाफट कर लें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।